नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। हरियाणा की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां बीजेपी के बागी नेता रणधीर सिंह कापड़ीवास द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए एक बार फिर से रणधीर सिंह कापड़ीवास ने राव इंद्रजीत पर हमला बोला। हरियाणा के रेवाड़ी में पूर्व बीजेपी विधायक और बीजेपी से बागी निर्दलीय प्रत्याशी रणधीर सिंह कापड़ीवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि यदि भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में 36,000 से अधिक वोट देकर जनता ने उन पर भरोसा जताया है, जिसके लिए वो जनता का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पार्टी को दांव पर लगा दिया। राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलवाने के प्रयास में पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। तो वही पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने सीएम खट्टर और पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि ये दोनों नेता मेरे लिए सम्मानित है, इनका कोई कसूर नहीं, दोष सारा राव इंद्रजीत सिंह का है, जिसने पार्टी के शीर्ष नेताओं को अंधेरे में रखकर गुमराह किया और अपने जेबी उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने का काम किया। मैं रेवाड़ी की जनता का भी आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि रेवाड़ी की जनता ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, खुद रणधीर सिंह बनके चुनाव लड़ा, मैं केवल निमित्त मात्र था और निमित्त मात्र को स्वयं उम्मीदवार समझ के एक परिवर्तन के लिए, एक अहंकार को सजा देने के लिए और एक राजनीति को ठीक दिशा देने का जो जनता ने मन बनाया, मेरे साथी, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ, वो लोग थे। क्योंकि ना मैंने पैसा कमाया था, ना मेरे पास पैसा था, तो ना हमने पैसा बांटा, ना दारू बांटी। मेरे पास वो साथी थे जो दूध के धोए, पवित्र गंगा जल से धुले हुए और देशभक्त सारे के सारे भगत सिंह थे। तो वहीं रेवाड़ी में गोदाम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि इस घटना में लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में किताबों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते आग की लपेटों में पूरा इलाका आ गया। तो वहीं 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने लाखों के सामान को जलाकर राख कर दिया। दरअसल ये आग जयप्रकाश रस्तोगी और सन्नी रस्तोगी के स्टेशनरी की दुकान पर लगी। जयप्रकाश का रेवाड़ी के नई सब्जी मंडी पे ही घर है, जिसमें किताबों का गोदाम भी है। बताया जा रहा है कि अचानक घर और गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तंग और संकीर्ण गली होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आग और भी उग्र हो गई। तो वहीं रेवाड़ी में भारी वाहनों की आवाजाही के चलते सड़क की पाइपलाइन टूट गई, जिसके चलते आपको बता दें कि पानी भरा है। हालांकि पाइपलाइन का मरम्मत कार्य जारी है। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी वाहनों के आवागमन से पेयजल की पाइपलाइन कई जगह से टूट गई है। जब इसकी सूचना जन स्वास्थ्य विभाग को मिली तो जेसीबी से खुदाई कर इसे ठीक करने का कार्य शुरू किया गया। तो वहीं विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि सर्कुलर रोड पर कमेटी टैंक से धारूहेड़ा चुंगी बूस्टर तक पानी पहुँचाने के लिए करीब 10 फुट गहरी बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई। बीती रात ट्रैफिक दबाव के कारण पाइपलाइन अम्बेडकर चौक में 2 जगह से टूट गई, जिसका मरम्मत का काम जारी है। तो वहीं रेवाड़ी में बाल महोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में बाल महोत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों ने सोलो डांस किया, साथ ही क्विज कॉन्टेस्ट प्रतियोगिताएं भी कराई। जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 1 दर्जन से अधिक स्कूलों में 1,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में प्रतियोगिता का बड़ा महत्व होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से प्रतिभा का प्रदर्शन करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अगली खबर रोहतक से, जहां व्यापारी नेता हेमंत बख्शी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है।
हरियाणा के रोहतक में शहर के व्यापारी नेता हेमंत बख्शी को फिरौती मांगने में वीरवार को कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने एसपी राहुल शर्मा से मुलाकात की, जिसके बाद एसपी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि व्यापारी नेता हेमंत बख्शी को 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए 3 साल पहले धमकी मिली थी, जिसमें काला किलोई नामक आरोपी का नाम सामने आया। तो वहीं 2 युवक बख्शी की दुकान पर आए और 5 करोड़ रुपए की बात की। हालांकि इस समय हेमंत के बजाय उनके छोटे भाई रजत दुकान पर मौजूद थे। बता दें कि वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उनको सारे वाक्य से रूबरू कराया गया, जिस तरह का 2014 में, फिर 2016 में, 17 में, अब जो 19 में हुआ, तो उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि हम जल्दी से जल्दी, जो पहले वाला तो बंदा है ही कस्टडी में, जुडिशियल में, और जो अनट्रेस केस है उसको हम दोबारा कैरी ऑन करके और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करते हैं, और जो कल की FIR दर्ज हुई है उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई करते हैं, और सरकारी सुरक्षा देने का उन्होंने आश्वासन दिलाया। SP साहब का व्यू बड़ा पॉजिटिव था, दे हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, उन्होंने बकायदा इसको उसका प्रोडक्शन ले रहे हैं उसका, पुलिस का वो लॉन्गर रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और मामले की तय तक पहुँचे। जी मिस्टर हेमंत बख्शी हैं, उनकी यहाँ लोकल मार्केट में उनका बिजनेस है, तो उनको कल उन्होंने कंप्लेंट दी है कि कोई 2 लड़के आए थे उनकी दुकान में और उन्होंने उनसे कोई एक्सटॉर्शन की डिमांड करी है, और उस संबंध में हमने कल ही उनकी कंप्लेंट पर FIR रजिस्टर कर दी है। CCTV फुटेज कलेक्ट करी है, उसमें कोई 2 लड़के फुटेज में नज़र आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टीम्स प्रयास कर रही हैं।